हाय गाइस, हाउ यू? होप यू आर डूइंग वेल. यू नो, आजकल आपने बच्चों का नोटिस किया होगा ना, घर पे ही दिखते हैं वीडियो गेम खेलते हुए, बाहर तो दिखते नहीं है. आजकल तो वैसे भी बहाना है सर्दी का, गर्मियां हो तो भी कौन सा बाहर आते हैं. आपने देखा होगा बहुत ही कम एज में बच्चों को स्पेक्स लग चुके हैं, बच्चे ओबेसिटी का शिकार है. घर पे अगर किसी बच्चे को बोल दो ना एक ग्लास पानी लाने के लिए, 100 ड्रामे दिखा देगा वो आपको. हर चीज मम्मी करके देती है, ये ला दो वो ला दो. लेजी होते जा रहे हैं, इनएक्टिव होते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स का भी हाथ होता है. यू नो, हम शॉर्ट टर्म गोल देखते हैं, मतलब बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं. आई पर्सनली फील लर्न टू से नो. हर डिजायर विश को फुलफिल करने की कोई जरूरत नहीं है. आई वुड सजेस्ट पेरेंट्स टू इंडल्ज देयर चाइल्ड इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एट अ वेरी यंग एज. यू नो, स्पोर्ट्स के बहुत सारे फायदे होते हैं और उन फायदों के बारे में अब मैं आपको बताऊंगी. स्पोर्ट्स बच्चों में आत्मविश्वास लाता है. It is very important for developing your child's self-esteem and confidence level. You know, उनका खुद पर भी आत्मविश्वास बढ़ता है. और as a parent, आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप उनको criticize भी कर रहे हो तो criticism एक positive तरीके से होना चाहिए. मतलब सिर्फ हर बात हार और जीत के लिए नहीं होती है, criticism should be constructive. इससे बच्चा अपनी कमजोरियों को पहचानेगा और साथ में खुद को improve करने की पूरी कोशिश करेगा. स्पोर्ट्स से आपके बच्चों का कम्युनिकेशन लेवल भी इम्प्रूव होता है. यू नो, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी पूरी लाइफ में, चाहे आप जॉब में हो या फिर स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. स्पोर्ट्स की वजह से आपके बच्चे हर तरीके की एज के लोगों के साथ दोस्ती करते हैं, उनके साथ बातचीत होती है, उनको दुनियादारी की समझ आती है. सो आई फील स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनहांस योर चाइल्ड्स कम्युनिकेशन स्किल्स. स्पोर्ट्स आपके बच्चे को करेजियस बनाता है. दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड लूजिंग एंड विनिंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, गेट अप अगेन एंड कीप ट्राइंग. स्पोर्ट्स आपके बच्चे को डिसिप्लिन भी सिखाता है. जिंदगी के हर दौर में डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है. अगर सफलता की सीढ़ी चढ़नी है ना तो डिसिप्लिन होना बहुत ही आवश्यक है. यू नो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे टैक्टिकल हो. सुबह टाइम से उठना, खाना पीना, सोना, खेलने जाना, हर चीज में डिसिप्लिन चाहिए. और स्पोर्ट्स से अच्छा कोई जरिया नहीं है आपके बच्चे को डिसिप्लिन बनाने में. स्पोर्ट्स आपके बच्चे को एक टीम प्लेयर भी बनाता है. मैंने कहीं पे पढ़ा था, देयर इज नो आई इन टीम. टीम की तरह काम करने से बॉन्डिंग लेवल बढ़ता है और टीम वर्क में काम करने से बच्चे एक दूसरे से काफी कुछ सीखते हैं. दे विल ऑल्सो लर्न हाउ टू फंक्शन इन अ टीम एनवायरमेंट, और ये आगे जाकर बहुत ही ज्यादा काम आएगा. स्पोर्ट्स फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए काफी अच्छा है. इट कीप्स योर चाइल्ड मेंटली एंड फिजिकली फिट. किसी भी तरह का डिप्रेशन, मेंटल इलनेस, फिजिकल पेन इन द बॉडी, खेलने से ना इन सबको डील करना बहुत आसान हो जाता है. स्पोर्ट्स इज काउंटेड एज एन एसेट थ्रू आउट योर लाइफ. अब एज अ पेरेंट आपको क्या करना चाहिए, लीड बाय एग्जाम्पल एंड प्ले अलॉन्ग विद देम. एक्टिविटीज जैसे कि टीवी देखते रहना, नॉन स्टॉप मोबाइल पे खेलते रहना, इन सब एक्टिविटीज पे कंट्रोल होना चाहिए. बच्चों को अनकरेज कीजिए स्कूल के सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, और आप भी वहां पे होने चाहिए. बी विद देम टू अनकरेज देम. बात कीजिए उनसे. कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. शेयर लॉन्ग टर्म गोल्स. तो गाइज, मंकी सी मंकी डू सुना है ना आपने, इट्स अ फ्रेज. आप जैसा करोगे आपका बच्चा वैसा ही करेगा. इसलिए आई विल रिपीट अगेन, लीड बाय एग्जाम्पल. सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल विजन बॉर्न टूडे, एंड डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन. एंड लेट्स फोकस द बच्चों को ना स्पोर्ट्स में ले ही आते हैं. बहुत हो गया सारा दिन उनको घर में देख देख के, भेजो उनको बाहर खेलने दो, कुछ नहीं होता. हाँ, थोड़ा सा सेफ्टी का भी ध्यान रखना. बी अराउंड विद देम. टेक केयर, सी यू, बाय बाय.